नगर निगम के खाली पड़े खजाने को भरने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर आयुक्त, राजस्व विभाग के अधिकारी और एनजीओ के 600 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें ये बताया गया कि किस तरह से वसूली की जाए और खाली खजाने को भरा जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल इन दिनों इंदौर नगर निगम का खजाना पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है, जिसके चलते कई विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। लिहाजा निगम के खाली पड़े खजाने को भरने के लिए निगम आयुक्त द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वसूली के गुण सिखाए गए और जिसमें गम अपर आयुक्त, सह आयुक्त, एआरओ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सहित सफाई में लगे एनजीओ के 600 कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसे 85,227 दुकानदार हैं या व्यावसायिक संस्थान हैं, जिनसे हमको 25,01,34,293 रुपए लेना है। आश्चर्यजनक आंकड़ा, कितना बड़ा अमाउंट है, मेरी बात समझ में आई? व्यावसायिक दुकान रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी व्यावसायिक दुकानें ऐसी हैं, 85,000 दुकानों से हमको यूजर चार्ज लेना। यूजर चार्ज कितने साल पहले लगा? सालों साल पहले लगा, 2 साल के पैसा वसूल नहीं कर पाए और ये पैसा 25 करोड़ से ज्यादा बकाया हो गया। आवासीय जो है, मैं बात कर रहा हूँ यूजर चार्ज की, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की, आवासीय में से जो पैसा भी वसूल हो पाया 3,48,698 भवनों से, मकानों से हमको 66,84,00,000 रुपए लेना। संपत्ति कर का जो 18 साल के बकायादार हैं, जिन्होंने 18 साल में कभी टैक्स नहीं दिया, ऐसे लोगों की संख्या 1,22,471 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 18 साल से कोई टैक्स नहीं दिया है। वहीं निगम अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने कहा कि कार्यशाला में सभी प्रकार की वसूली, संपत्ति कर, जल कर, सभी तरह की वसूली को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई है। साथ ही निगम कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों को सस्पेंशन की कार्यवाही की जाएगी। माननीय आयुक्त महोदय ने के ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि हमारे द्वारा भी जो वसूली की कार्रवाई की जा रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। उसी दृष्टिकोण में उन्हीं के निर्देश पे आज यहाँ पर सभी विभागों के प्रमुख, जो खासकर राजस्व से जुड़े लोग हैं, वर्कशॉप के माध्यम से एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि जितने भी प्रकार की वसूलियाँ जो नगर निगम में पेंडिंग है, वो संपत्ति कर की हो, जल कर की हो, या कचरे के यूज़र चार्जेस जो कमर्शियल या घरेलू हो, सभी प्रकार की घरेलुओं की कितनी कितनी राशि पेंडिंग है उसकी एक वृहद रूप से हम लोग डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं और उसी डिटेल के माध्यम से सभी लोगों से हम लोग ये वसूली का कार्य संपादित कराएंगे। वसूली के नेचुरल बात है, वसूली कम हो रही थी तभी आज इस तरह की कार्यशाला, वृहद स्तर की कार्यशाला आयोजित की है। उन सभी को जो कार्रवाई काम नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई भी प्रस्तावित कर रहे हैं और जिसके अलावा जहाँ जहाँ पर वीक पॉइंट है उन चीज़ों के हम लोग इम्प्रूवमेंट समन्वित रूप से सभी पूरे निगम का हमला लगा के हम लोग इस कार्य में जुट रहे हैं। कुल मिलाकर इंदौर नगर निगम में विकास कार्यों को गति देने के लिए खाली पड़े खजाने को भरने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे ईमानदार करदाता का उत्साह बढ़े और साथ ही आम जन को निगम बेहतर सुविधाएं दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।